फिनलैंड की बातें नहीं करेंगे, शादी हो रही है किसी की, हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या हो रहा है, शादी है कि सगाई। हम जस्ट आ गए हैं और ये कैमरामैन बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। मैंने ऐसी कैमरा खोल दिया है हमारा ब्रूम गायब है, इंतजार कर रहे हैं हमारा ब्रूम गायब है, अभी झाड़ू लगाते हैं। गोद भराई की रस्म के बाद मम्मी जो है वो ज्वेलरी पहना रही है जो भी फैंसी के लिए लेके आई थी, तो यहाँ पे वो डायमंड की वो सारी ज्वेलरी और जो भी गोल्ड डायमंड जो भी वो लेके आई थी वो सारा इनको पहना रही है। और बाकी अगर जिसने पूरी ज्वेलरी नहीं देखी है वो प्लीज़ पीछे के क्लिप्स में जाके देख सकते हैं, जो कि पहले के ब्लॉग्स में आया हुआ है, मैंने ज्वेलरी के लिए स्पेशली ब्लॉग डाला था, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और मम्मी ने पहनाया कुछ, किसी और ने कुछ, स्नेहा ने पहनाया, ऐसे ऐसे करके सब ने ज्वेलरीज पहनाई है। और जिसको जो देना था जैसे भी इंगेजमेंट में वो भी लोगों ने दिया है। सारी क्लिप्स तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि इतना सब कुछ, इतना वो होता है ना, डांस वांस का भी वो होता है कि शौक है कि हाँ भाई की इंगेजमेंट है ना, तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है, इस वजह से इतना टाइम तो नहीं मिला सारी क्लिप्स कैप्चर करने का, बट जितनी भी है वो आप लोगों के साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर।
इंतजार कर रहे हैं। ये देखो हमारा, देखो ब्लॉगिंग है, मैंने हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पर हम फंक्शन चल रहा है लेकिन हम नीचे खड़े हैं, पर हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारे ब्रूम के आने का। चुपचाप चुपचाप बात करते हुए सत्य बोले भाई। और ये लो आप करो ना, एक सेकंड कट कर। ये ब्लॉगर गाइस, मैं गुस्सा हो रही है, चम्मच आ गई मेरे हाथ में, हल्दी मिक्स, हल्दी मिक्स हल्दी मिक्स पीला है। हाँ हाँ चलो, अब जो ये रस्म आएगी ना, इसमें पायल पहनाई जाएगी बहू को, जो कि देवर लोग पहनाते हैं, और जितने भी इनके देवर थे ब्राइड के, वो सारे पायल पहनाएंगे इनको। वैसे तो मतलब हाथ लगाना होता है, देवर को ही पहनानी होती है, तो देवर बहुत सारे तो हाथ लगा सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे थे तो सबने थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दिया था, तो वही पायल पहनाने की रस्म हो रही है यहाँ पर। तो पायल पहनाने की रस्म जो है ना, वो पूरी हो चुकी थी, और इनके देवर जितने भी हैं ना, वो सारे स्टेज पे थे। मतलब थोड़े बहुत और भी देवर हैं, बट वो इधर उधर थे, तो जितने भी अवेलेबल थे उनके साथ इन्होंने पिक्स क्लिक कराई, सब ने हाथ लगाया पायल पहनाने में, तो वो रस्म जो है वो पूरी हुई। और इनकी गोद में एक हमने गुड्डा भी दिया है, और बाकी जो गोद भराई में रस्में होती हैं, जैसे सबके साथ होती होंगी, सबके यहाँ होती होंगी, वैसे शायद हमारे यहाँ भी होती है। तो रस्म देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, कुछ लोगों के यहाँ अलग से होती है, कुछ लोगों के यहाँ ऐसी भी होती है। हमारे यहाँ नारियल भी दिया जाता है गोद भराई में, और भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो वही सब रस्में यहाँ पर पूरी की गई। तो ये जो टॉय दिया है ना, हम इनको यही बता रहे थे कि टॉय आपको ना वापस भी लेके आना है शादी के बाद, मतलब शादी जब होगी ना उसके बाद लेके भी आना है, तो वही हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था। तो यही समझाया जा रहा था इनको कि ये शादी जब होके आएगी ना, तो इस गुड्डे को खोना नहीं है, लेके आना है वापस, तो वही सब बताया जा रहा है, इसलिए हंस रहे हैं सब लोग। सो गाइज, अब नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं पूरा कवर करने की सोचूंगी, क्योंकि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो गए हैं एंगेजमेंट व्लॉग के, तो मैं मतलब ये नहीं चाहती थी कि बहुत लंबे लंबे व्लॉग्स आए, इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप प्लीज़ देखना।